भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सरकार ने पिछड़ों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। रविवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुभाष कुशवाहा ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, सभी विधानसभाओं में सामाजिक सम्मेलन किए जाएंगे, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़े मोर्चे को लेकर प्रतिबद्ध है। 2022 के चुनाव में पिछड़े मोर्चे की भरपूर तैयारी है। सभी विधानसभाओं में सामाजिक सम्मेलन होने हैं और उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। किसान आंदोलन को लेकर सुभाष कुशवाहा ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों को लेकर लगातार काम किए हैं। भाजपा की सरकार ने जितना काम किसानों के लिए किया है, अब तक उतना काम किसी भी सरकार ने नहीं किया है। नाराजगी किसानों में नहीं बल्कि कुछ विशेष वर्ग और क्षेत्र के लोगों की है। देखिए, किसान जहां तक किसानों की नाराजगी का सवाल है, सरकार ने किसानों के हितों के लिए जो कदम उठाए हैं उस हम लगातार ये बता रहे हैं, विभिन्न समाचार माध्यमों से बता रहे हैं कि किसानों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना आज तक की किसी सरकार ने नहीं किया है। रही बात नाराजगी की, तो वह एक विशेष वर्ग है और कुछ सीमित क्षेत्रों में नाराजगी है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उस नाराजगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों पर सुभाष कुशवाहा ने कहा कि हमने 90% वादों को पूरा किया है। अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। हमने अखिलेश यादव जी को फिर से चुनाव के हमारे घोषणा पत्र को, संकल्प को फिर से पढ़ना चाहिए। हमने जो घोषणा पत्र में वादा किया था, आज हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, इस बात पर सवाल क्यों उठाते हैं अखिलेश यादव जी? दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, 43 लाख लोगों को आवास दिए गए, इस पर बात नहीं करते हैं। गरीबों को राशन दिया गया, इस पर बात नहीं करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कोरोना पीरियड में हमने बेहतर काम करके दिखाया, इस पर भी अखिलेश यादव जी को बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र में जितना भी हम लोगों ने वादा किया है, 90% कार्य हम लोगों ने पूरा करके दिखाया है और इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को पूरा करके दिखाया। यूपी की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। सभी दल अपनी अपनी बिसात को बिछाने में लगे हुए हैं। भाजपा भी अपनी तैयारियों को लगातार अंजाम दे रही है। सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू कर चुके हैं। हालांकि इन सबके बीच जनता के मन में क्या चल रहा है वो तो आने वाला चुनावी परिणाम ही बताएगा। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।